नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल फिनोलॉजी मार्केट में। और हम लोग आज और एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, और उस स्टॉक के बारे में आपको कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो हम लोगों ने वीडियो बनाया है। और वो स्टॉक का नाम है रिलायंस कैपिटल। और आपको दोस्तों आज इसे ग्राफ में लेके जाने वाले हम लोग, और आपको बताना चाहेंगे कि ये स्टॉक के बारे में हम लोगों ने कभी वीडियो बना के नहीं बताया कि ये स्टॉक में आप लोगों का पैसा बनेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन देता तो प्लीज़ वो केयरफुली देख लीजिए, पूरा वीडियो को आप देखिए तो ही समझेंगे, क्योंकि स्किप करेंगे बीच में तो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है दोस्तों। तो उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इतना सारे व्यूज़ होता है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ जितने भी हम लोग का व्यूअर्स है सब्सक्राइबर है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए। हम लोग हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। चलते हैं आपको रिलायंस कैपिटल के ग्राफ पे। ये देखिए दोस्तों, रिलायंस कैपिटल के ग्राफ में हम लोग आ गए, और ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है दोस्तों, आपको इसमें प्राइस ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि ये ग्राफ मैंने लगाया है एक साल का। तो जो न्यू ट्रेडर्स है, हम लोग का न्यू सब्सक्राइबर्स है, उन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक साल का चार्ट लगाया। एक साल के चार्ट में आपको बताना चाहेंगे, देखिए दोस्तों 190.50, एक साल पहले भी इस जो रिलायंस कैपिटल का प्राइस चल रहा था वो करीबन 200 के आजू बाजू चल रहा था, 190.55 ये भी गया था। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि रिलायंस कैपिटल में जो है, अभी मैंने आपको एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी भी वीडियो में नहीं बताया कि रिलायंस कैपिटल आप लोग लीजिए और इसमें प्राइस बढ़ने वाला है। हाँ, ज़रूर कुछ न्यूज़ आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये न्यूज़ है, बट जब तक पुख्ता नहीं होता है कोई भी इन्फॉर्मेशन कि कोई भी इन्वेस्टर इसको ले रहा है, रिलायंस कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे, तब तक आप इससे दूर ही रहिए। आपको ये बात क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। अभी देखिए एक साल के अंदर जो है, अभी एक साल में अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे 14 फेब को, और ये देखिए 13 फेब को भी 139.25 2019 को, ये स्टॉक ऐसा एक स्टॉक है जो तुरंत, मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारे न्यूज आने के कारण ये स्टॉक एकदम डाउनफॉल में आ गया है। अभी 6 महीने का भी ग्राफ लगा देता हूं आपके सामने दोस्तों, 6 महीने का ग्राफ देखिए। इसमें आपको 6 महीने के अंदर जो है ये स्टॉक जो है 14 अगस्त 2019 को 46.85 गया था, फिर एकदम डाउन होके ये स्टॉक जो है दोस्तों 14.30 गया था, 13.35 गया था, और फिर ये जो आप देख सकते हैं कि 8 नवंबर को ही 25.75 रुपीस तक गया था। तो अभी दोस्तों, अभी ये 5 डेज का भी चार्ट लगाता हूँ तो भी ये डाउन ही है, और इसमें आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली स्टॉक जो है डाउन होता जा रहा है, इससे प्राइस डाउन होता जा रहा है। और 1 डे का आज का भी आप चार्ट देखेंगे दोस्तों, ये देखिए, तो आज जो है इसमें हाई गया था 7.5 रुपीज़। और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, ये स्टॉक फिर से आप देख सकते हैं डाउन हो गया है। तो मैं किसी भी वीडियो पे नहीं बताया कि ये स्टॉक लीजिए, इसमें पैसा बनाने का मौका है, आपको हमेशा यही बताता रहा कि ये स्टॉक से फिलहाल हो सके तो दूर रहिए जब तक कुछ अच्छा न्यूज़ नहीं आता है। तो अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो आपने रिस्क पे वो रख सकता है, बट इसमें ऐसा कुछ अभी तक न्यूज़ नहीं है कि ये स्टॉक जो है आपको मुनाफा दे सकता है दोस्तों, जब तक कोई इन्वेस्टर्स नहीं आता है। अगर आपको दोस्तों ये बात क्लियर हो गया है, और जब भी कुछ रिलायंस कैपिटल या फिर दूसरे स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन आते हैं तो हम लोग उसको क्लियर इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, उसमें कुछ भी गलत नहीं रहता है दोस्तों। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोस्तों कभी भी स्किप करके मत देखिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा नहीं मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।